झारखंड पेपर एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है और इसका उद्घाटन खेल मंत्री अफजल हसन ने किया है। इस मौके पर डीआईजी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। एक बेहद रोमांचक मुकाबले में जापान की टीम ने मलेशिया की टीम को 3-0 से पराजित कर दिया। मैच देखने के लिए स्टेडियम पूरी तरह से भर नहीं पाया और टाइट सिक्योरिटी के डर से दर्शक अंदर नहीं जा पाए, लेकिन स्टेडियम से बाहर दर्शकों की लंबी कतार लगी रही। जापान और मलेशिया की टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी, लेकिन शुरुआत से ही जापान ने मलेशिया की टीम पर अपनी बढ़त जारी रखी। टोटल 12 के आसपास पेनल्टी कॉर्नर्स हुए, जिनमें से 8 जापान ने मलेशिया की तरफ किए और 4 में मलेशिया ने जापान की तरफ किए। इस बीच में जैसे ही फर्स्ट हाफ की शुरुआत हुई, जापान ने मलेशिया पर 1 गोल से अपनी बढ़त साबित कर दी। यही सिलसिला जारी रहा। सेकंड हाफ में भी 1 गोल हुआ और फिर 1 और गोल हुआ, यानी 3-0 से जापान की टीम ने अपना जो पहला मैच है वो मलेशिया पर बढ़त हासिल करते हुए आगे जीत लिया। जीत के बाद स्टेडियम में मेडल सेरेमनी हुई, जिसको मंत्री खेल हफीजुल हसन अंसारी, डीजीपी झारखंड अजय कुमार सिंह की मौजूदगी में पूरा किया गया। जापान की टीम ने विनर शील्ड लिया और जो दूसरी टीम थी मलेशिया की, उसकी कप्तान ने भी अपना मेडल लिया। तो जापान के जो विजेता थे, कोच थे, उन्होंने अपनी राय जाहिर की, मीडिया में अपनी बातें कहीं। उसके बाद जो डिफेंडिंग चैंपियन थी मलेशिया, उसके कोच ने भी अपनी हार की वजह को मीडिया में साझा किया। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का आयोजन हुआ वो बहुत ही शानदार था। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब कुछ बहुत शानदार था और रांची के लोगों ने देखा कि हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मैच कैसे आयोजित किया जाता है। यही है वो स्टेडियम, आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल अभी भी तैनात हैं, बहुत खूबसूरती से स्टेडियम को सजाया गया है। जहाँ तक दर्शकों की बात है, नवादा से, बिहार नवादा से। अच्छा, आप वहाँ से आए देखने? नहीं, देखने नहीं, हम आए इसी में दशहरा घूमने आए थे। ठीक है, आप लोग कहाँ से आए? तमार से, तमार, तमार। क्यों नहीं जा रहे? जाने लाइन में लगे हुए हैं, जाने देगा तब ना? नहीं, हो गया आधा घंटा लगभग। आप बताइए, आप कहाँ से आए? सरायकेला। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, मुफ्त में आप एंट्री पा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र और लाइन में लगना होगा। कैमरामैन अभय के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।